विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार सेवकों की पुण्य स्मृति में रक्तदान किया। देवास विभाग संगठन मंत्री उमेश पाराशर ने पहले रक्तदान कर शुरुआत की, जिसमें विभाग संयोजक राम बाबू, जिला उपाध्यक्ष जसवंत धर्मेंद्र, जिला मंत्री संदीप, जिला संयोजक नारायण शर्मा, जिला सह संयोजक प्रवीण सोनी, जिला सुरक्षा प्रमुख अभिषेक माली, गोरक्षा प्रमुख रवि, नगर संयोजक भरत यादव, नगर मंत्री गोपाल यादव, आकाश, जसवंत, अनुज, कुलदीप यादव, हलूम माली, रवि यादव उपस्थित रहे एवं प्रखंड पीपल रावा से राहुल कुशवाहा प्रखंड संयोजक ने रक्तदान किया। आज बजरंग दल द्वारा शरद कोठारी और राम कोठारी दोनों भाई का जो बलिदान हुआ, उसके रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज रक्तदान दिवस कार्यक्रम 2 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे देश भर में लाखों की संख्या में रक्तदान दिवस किया जा रहा है, कम से कम 50 की संख्या में रक्तदान दिवस किया जा रहा है। ये जो रक्तदान का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, प्रति वर्ष बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है उसके द्वारा किया जाता है। इसके पीछे जो हम राम मंदिर आज बनता हुआ देख रहे हैं, उस राम मंदिर को बने और उसी स्थान पर बने जहां भगवान राम का जन्म हुआ, उस संघर्ष में हजारों हजार जो कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन का बलिदान दिया, उन कार्यकर्ताओं की सदगति हेतु और उनके उस उपलक्ष में हमारी परिपाटी, हम खून बहाने वाली संस्कृति नहीं, हम परिपालन और संरक्षण करने वाली संस्कृति के लोग हैं। इसलिए हम रक्तदान करके उन कार्यकर्ताओं के निमित्त, उन हुतात्माओं के निमित्त अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।